और अब आखिर में आपको साउथ कोरिया के मशहूर बैंड बीटीएस के लोकप्रिय सिंगर जिन के बारे में बताते हैं, जो अपना बैंड छोड़कर साउथ कोरिया की सेना में शामिल हो गए हैं और 2 साल तक गाना गाने के बजाय अब वो सेना में गाना नहीं बल्कि गोली चलाएंगे। दक्षिण कोरिया में ये कानून है कि वहां 18 से 35 वर्ष के हर युवा को 2 साल सेना में अनिवार्य सेवा के तहत भर्ती होना होता है, अपनी अनिवार्य सेवाएं देनी होती हैं, और जिन भी इस कानून का पालन कर रहे हैं इसके लिए उन्होंने अपने बालों को भी अब कटवा दिया है, छोटे कर लिए हैं और उनका नया लुक किसी सिंगर के जैसा नहीं बल्कि किसी सैनिक के जैसा दिखता है, क्योंकि जिन जो हैं वो अपने हेयर स्टाइल के लिए बड़े मशहूर रहे हैं, फेमस रहे हैं और दुनिया भर में उनके फैंस उनके हेयर स्टाइल को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सेना में जाने के बाद अब उन्हें अपने बाल भी कटवाने पड़े हैं। जिनकी इन तस्वीरों को देखकर उनके फैंस बड़े भावुक हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आज दुनिया में दक्षिण कोरिया की भी तारीफ हो रही है, जहां कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो उसे 2 साल के लिए अपने देश की सेना में सेवाएं देना अनिवार्य होता है। सिर्फ जिन ही नहीं बल्कि एक एक करके बीटीएस बैंड के सभी सदस्य कोरिया साउथ कोरिया की आर्मी में 2 साल की सेवाएं देंगे और इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। ये सभी लोगों ने कहा है कि हम सेना में जरूर शामिल होंगे। तो आज हमारे देश के लोगों को भी साउथ कोरिया के इन लोगों से सीखना चाहिए। बीटीएस के जो बैंड के सदस्य हैं, जो कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, दुनिया भर में इनके फैन हैं, इनसे सीखना चाहिए कि ये भी अपनी देश की सेवा करने में पीछे नहीं हटे और अपना बैंड छोड़कर अब ये 2-2 साल के लिए साउथ कोरिया की सेना में अपनी अनिवार्य सेवाएं देंगे।